What is Newton's third law of motion? See in this picture, एक man boat चला रहा है with the help of oar. वो oar की help से water को पीछे की ओर push कर रहा है and उसके response में water boat को आगे की ओर push कर रहा है. It means हमने जिस force से water को पीछे की ओर push किया उसी force से water ने हमें push किया but in opposite direction. जितने फोर्स से हम वाटर को बैकवर्ड पुश करेंगे उसी फोर्स से वाटर हमें फॉरवर्ड पुश करेगा जिसके कारण वाटर मूव करना स्टार्ट करेगी. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मींस हर एक एक्शन के लिए इक्वल रिएक्शन होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे हमने वाटर को बैकवर्ड पुश किया दिस इज एन एक्शन. उसके रिस्पॉन्स में वाटर ने हमें आगे पुश किया विद द सेम फोर्स दिस इज अ रिएक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है देन सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. This is Newton's third law of motion and is also known as law of action reaction. Thanks for watching guys and please like and subscribe to my channel for more videos.